मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण शैली के बारे में। दक्षिण शैली से रिलेटेड हमने आपको दो वीडियो प्रोवाइड किए हैं, एक क्लास नंबर 6 और एक क्लास नंबर आपका हो जाएगा 7। ठीक है, बस इसके बाद आपको मिलेंगे MCQ क्लास नंबर 8 में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग इस MCQ को सॉल्व कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखिएगा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है गोलकुंडा। हम लोगों ने कल बीजापुर के बारे में पढ़ लिया था, अब आपके सामने लिखा हुआ है गोलकुंडा। गोलकुंडा का प्राचीन एवं प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, बताएंगे आप मुसलीपट्टनम। क्या है? मुसलीपट्टनम। आगे लिखा हुआ इसको देखिएगा, मुसलीपट्टनम क्षेत्र में पाश्चात्य देशों से कौन आते थे, तो कौन आते थे? अंग्रेज और डच। मुसलीपट्टनम क्षेत्र में पाश्चात्य देशों से कौन आते थे? अंग्रेज आते थे और डच आते थे। मुसलीपट्टनम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम मैथवोल्ड। कौन थे? विलियम मैथवोल्ड। आगे है आपका है पेंटिंग हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है, तो आप बताएंगे मुसलीपट्टनम क्षेत्र में मिलती है। कहाँ? मुसलीपट्टनम में मिलती है। आगे देखिएगा, विजयनगर की पराजय से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, आप बताएंगे गोलकुंडा को। किसको लाभ हुआ? गोलकुंडा को सबसे अधिक लाभ हुआ। गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई, आप बताएंगे दीवान ए हाफिज। कौन सी? दीवान ए हाफिज। अगला क्वेश्चन आपका है, गोलकुंडा पर घेरा किस मुगल शासक ने डाला था, तो बताएंगे औरंगजेब ने। कब? 1687 ईस्वी में घेरा डाला था। इससे पहले हम लोगों ने पहाड़ी चित्रकला की 4 क्लासें की थी और एक टेस्ट उसका किया था, 5 वीडियो में उसको कंप्लीट किया था। इसके बाद हम लोगों ने क्लास नंबर 6 और 7 में दक्षिण शैली को कम्प्लीट करेंगे हम लोग, और क्लास नंबर 8 में इसका टेस्ट होगा। टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले पढ़कर, ठीक है, पढ़िएगा वीडियो को। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलकुंडा पर कौन सी चित्रकला विशेष प्रसिद्ध है, आप बताएंगे पट्ट चित्रकला। कौन सी? पट्ट चित्रकला। गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण अधिक है, तो मयूर का, मतलब मोर का जो चित्रण है वो अधिक है। कहाँ पर? गोलकुंडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चित्रकारों में किसका नाम महत्वपूर्ण है, आप बताएंगे मीर हाशिम तथा रहीम का। किसका है? मीर हाशिम तथा रहीम का। नारी और मैना का चित्र कहाँ है, नारी और मैना का चित्र कहाँ है, आप बताएंगे गोलकुंडा में। ये चित्र के संग्रहालय में सुरक्षित है, आप बताएंगे चेस्टर वेट्टी संग्रहालय में। ये चित्र है वो किस संग्रहालय में सुरक्षित है, चेस्टर वेट्टी संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है, अहमदनगर। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अहमदनगर के बारे में। विजयनगर को हराने में किस शासक का हाथ था, तो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का। ठीक है, अहमदनगर के अहमदनगर में किस क्षेत्र किस ग्रंथ के चित्र बने, बताएंगे रागमाला के। किसके? रागमाला के। अहमद आगे लिखा हुआ है, अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में कौन सी पांडुलिपि तैयार की गई, 1591 से 1595 के बीच, तारीफ ए हुसैन शाही। कौन सी? तारीफ ए हुसैन शाही। इसके चित्र किस 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 शैली में है, तो ये फारसी शैली में है। ठीक है, तारीफ ए हुसैन शाही तथा नुजूम उल उलूम। तारीफ ए हुसैन शाही नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित की गई, बताएंगे हुसैन निजाम शाह प्रथम के संरक्षण में इसको चित्रित किया गया। अगला आपके बारे में यहाँ पर हैदराबाद, इसको समझिएगा, हैदराबाद नामक नगर किसने बसाया था, मोहम्मद कुली ने बसाया था। हैदराबाद की सबसे सुंदर इमारत कौन सी, आप बताएंगे चार मीनार। कहाँ पर है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चार मीनार जो इमारत है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया, मोहम्मद कुली ने 1591 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला आपका है कि हैदराबाद में
मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुतुब शाह ने। हैदराबाद का कौन सा शासक चित्रकला में बहुत रुचि लेता था? तो बताएंगे आसफ जहां प्रथम। कौन था? आसफ जहां प्रथम। निजाम अली खां कौन था? आप बताएंगे एक अच्छा चित्रकार था। कौन था? अच्छा चित्रकार। उसका दरबारी चित्रकार कौन था? तो बताएंगे आप राय वेंकट चिलम। हैदराबादी कला में कौन से चित्र बहुत कम प्राप्त हुए हैं? आप बताएंगे आखेट के चित्र जो हैं वो हैदराबादी कला में बहुत कम प्राप्त हुए हैं। हैदराबादी कला में किस पर चित्रण किया गया? तो ब्रिटिश प्रभाव से क्रॉच पर। किस पर? क्रॉच पर। ब्रिटिश प्रभाव से क्रॉच पर चित्रण किया गया। आगे लिखा हुआ है कि क्रॉच पर चित्रण कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे तिरुचिरापल्ली। कहाँ हुआ? तिरुचिरापल्ली। हैदराबादी कला में किस पक्षी का चित्रण हुआ है? तो बताएंगे मयूर का। किसका? मयूर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दक्षिण शैली जो थी वो समाप्त हो गई है। दक्षिण शैली दो वीडियो में ही समाप्त हो गई है। इसके बाद आपको मिलेगी अगली वीडियो जो क्लास नंबर 8 होगा आपका। क्लास नंबर 8 में मिलेगा आपको टेस्ट। उस टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर टेस्ट में क्या रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।